और देसो भाई बढ़िया भाई। तो ये कौन सा मॉडल है आपका? ये है 2016 मॉडल। हाँ हाँ, स्विफ्ट डिजायर VDI टॉप मॉडल है ये तो। हाँ, तो आपने कितने का लिया था ये? ये हमने सेकंड हैंड लिया है, हमें 3.5 की पड़ी है। डीजल वेरिएंट है पेट्रोल? डीजल वेरिएंट है। हाँ जी, बढ़िया। और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस गाड़ी से? बहुत बढ़िया, स्मूथ गाड़ी है ये। तो आप देख ही सकते हो गाड़ी की कंडीशन क्या है। तो ये सब भाई 16 मॉडल है आपका? हाँ जी भैया। गाड़ी तो आपकी काफी अच्छी रखी है, वेल मेंटेन्ड है। तो कितनी चला चुके हो आप इसे? मैं इसे भैया 45,000 चला चुका हूँ। 45,000? हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया, क्लासी लुक है इसका, बहुत कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है, मिडिल क्लास वालों के लिए बेस्ट है ये। बात तो सही कह रहे हो, देखने में भी लग्जरियस लगती है। सेडान गाड़ियां ऑफ कोर्स होती है, बढ़िया है। तो ये सब भाई आफ्टर मार्केटिंग लगाई होगी आपने तो इसमें, ये वेडिंग वगैरह सारी? और क्या, ये क्रोमिंग मैंने बाद में लगवाई थी आगरा मार्केट से। अच्छा, आगरा मार्केट। कितना प्राइस पड़ा आपको इसका पूरी गाड़ी का? टोटल मेरा 7-8 हजार रुपए लग गया था इसमें, एक्स्ट्रा एक्सेसरीज में। अच्छा, और सर्विस वर्विस का क्या रहता है इसका? सर्विस मैं इसमें करा लेता हूँ 15-20 हजार के बाद में। शोरूम से ही कराते होगे आप तो? हाँ, शोरूम से करवाता हूँ अभी। तो आपको क्या कॉस्ट पड़ती होगी सर्विस में इसकी? इसकी कॉस्ट पड़ जाती है 20,000 के अप्रोक्स। 20,000 के? हाँ, काफी कॉस्टली है। डीजल वेरिएंट है ना इससे करो? डीजल है इसलिए। हाँ, ऐसा मैं इसमें ऑयलिंग चेंज करवाता रहता हूँ, ऑयल वगैरह। अच्छा, अच्छा। गाड़ी आप देख ही सकते हो वेल मेंटेड है एकदम। इसके अंदर पे जो भी गंदगी पड़ जाती है वो एयर प्रेशर से, और फिर इसके जो अंदर क्रोमिंग होती है कपड़े की वो भी गंदे पड़ जाते हैं, ऑयलिंग वगैरह ऑयल वगैरह लग जाता है। ठीक ठीक, तो वो भी वॉश करवाते हैं पूरा खुलवा के अलग से। तो हाँ, क्या कह रहे थे रिसे भाई? इसके अंदर जो कपड़ा लगा हुआ था गेट पे वो हाथ लग के गंदा हो जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ कंपनियां करती हैं इसको ओपन करके वॉश करती हैं, पूरा साफ कर देती हैं। चलो, चार्ज अलग लगता है थोड़ा सा। हाँ, लेकिन गाड़ी साफ हो जाती है, अच्छी हो जाती है। जैसे आप देख ही सकते हो गाड़ी कितनी वेल मेंटेन्ड है। तो ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा चलाने में इसका लॉन्ग ट्रिप में? कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। हाँ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, स्पेस है, मैं आराम से अपने 4 लोग आ जाते हैं। चलो अंदर चल के बैठ के बात करते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल भैया, आओ। गाड़ी तो की काफी वेल मेंटेन रखी है। अब ये जो हमारा डेली यूज है उसको तो मेंटेन रखना ही पड़ता है। बात तो सही है। देख ही सकते हो आप लोग कितनी चला चुके हैं भैया। इसकी एसी बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ एसी डिजायर में तो एसी मैंने भी सुना है काफी अच्छी रहती है। तो भैया आपने एवरेज क्या निकाला है इसमें? इसका एवरेज मैंने 24 तक का निकाला है। और जैसे हम लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो कितना पड़ जाता होगा लमसम? डीजल मैंने सुना है एवरेज तो अच्छा निकालती है। हाँ, एवरेज अच्छा निकालती है। ऐसा नहीं है, पेट्रोल ये होता है कि वो 1 स्टार्ट होती है सेल्फ एक बार में, ऐसा डीजल भी हो जाती है, बस ये कि मेंटेन रखने पे डिपेंड करता है। हम लोग ट्रिप पे जाते हैं तो गाड़ी को ज्यादा नहीं भगाते, कभी ज्यादा लंबा ट्रिप होता है तो आराम से अपना 80-90-100 तक। हाँ, उसमें एवरेज भी अच्छा आता है, 21-22 तक का एवरेज निकाल लेता हूँ मैं। बहुत सही, वैसे डिजायर में तो इतना एवरेज तो निकलना चाहिए। वैसे लोग बात कहते हैं इसमें मैंने 28 निकाला है, 30 निकाला है, तो इसका वो ऐसा कुछ नहीं होता भैया। वो जब आप गाड़ी तेज चला रहे हो फिर उसके बाद एकदम से धीमी करते हो तो वो इसमें जो सेंसर लगा होता है वो अपने आप से रिकॉग्नाइज करता है उसकी स्पीड को। अच्छा, उससे वो एवरेज निकालता है, वो सेकंडों के लिए होता है। आप उसको मेंटेन करके रखोगे तब आपका एवरेज निकलेगा। एसी तो वैसे काफी अच्छा है इसका। हाँ, अभी चालू किया और कूलिंग हो गई पूरी गाड़ी में, बहुत अच्छा।
इसकी मतलब टॉप मॉडल में अच्छे फीचर्स आते हैं वो। और ये आपकी तो काफी पुरानी हो गई, उस हिसाब से भी काफी अच्छी है। और भैया आपका इसका चलाने का एक्सपीरियंस क्या रहा है? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। मैंने इसमें अपना आरपीएम देख रहे हो आप, ये और डिजायर में क्या होता है 100 से नीचे होता है। ओके। इसमें मैंने थोड़ा सा अपने पिकअप बढ़वा के रखा हुआ है, 100 पे करवा हुआ है। इससे क्या होता है, रीजन ये है कि ये जो उठती है स्टार्टिंग में बहुत स्मूथली उठती है, पिकअप होता है एक। हम जब एसी ऑन करते हैं तो पिकअप बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और मोस्टली क्या होता है कि आदमी चलाता है एसी ऑन करके हाँ, तो इससे ये है कि मेरा पिकअप बना रहता है गाड़ी का। ये तो है। अब भाई आप अपनी इतनी महंगी गाड़ी चला रहे हो, आप एवरेज देखोगे तो ऐसे थोड़ी ना कोई होता है भाई। मेरे लिए भाई ये होता है कि गाड़ी चलने में अच्छी है, एवरेज मैटर नहीं करता इतना। बात तो सही है। औरों की तरह नहीं है जो पेट्रोल के लिए अभी भाव बढ़ गया तो चक्कर में भाई गाड़ी आप ले रहे हो तो पेट्रोल क्यों देख रहे हो फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया अब आपको दूसरी गाड़ी लेने का कुछ प्लान है आगे इन फ्यूचर में? प्लान तो है, अब ये गाड़ी वैसे अच्छी है इसमें कोई शक नहीं है, बट लेकिन अभी नई नई गाड़ियां निकल के आ रही है नए लुक्स में, मूड है क्रेटा देखा है अभी, देखते हैं उसका रूफ टॉप मेरे को। अच्छा, आजकल मैंने इंडिया में देखा है लोग ज्यादातर ये मारुति और ये अपने होंडे वगैरह इन गाड़ियों के पीछे भागते हैं, इनमें मेंटेनेंस ज्यादा नहीं होता है और गाड़ी भी अच्छी होती है, लुक्स भी अच्छे निकलते हैं। अच्छा, तो भैया इसका इंजन तो काफी नॉइस करता है, एक बार आप खोल के दिखा ना आगे से देखते हैं आप। आप लोग देख ही सकते हो, स्टार्ट रहने दो भैया इसे, स्टार्ट ही रहने दो, मेरा डाउन कर लेना, चाबी का रह जाता है ना कभी कभी। खोल के देखा मारुति वालों ने डिजायर ये डीजल वेरिएंट बंद कर दिया बनाना, आप देख ही सकते हो कंडीशन कैसी है। आवाज तो यार काफी है इसकी, आवाज चलाते टाइम पे इतना पता नहीं चलता, चलाते में तो ये आवाज ही बिल्कुल खत्म हो जाती है। कंपैरिजन टू अदर ये आवाज तो कुछ भी नहीं है। हाँ बात तो सही है, इंजन बिल्कुल मेंटेन करके रखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों का ट्रिप पे कभी भी आना जाना होता है, कहीं बाहर जाना पड़ जाए। हाँ लॉन्ग रूट पे आना जाना रहता होगा आपका। लोगों का ये है कि जो मार्केट में ज्यादा बिकेगा वही दिखेगा, तो भाई हमें भी दिखाना ही पड़ेगा। बात तो सही है। तो ये ऋषभ भैया आपने आफ्टर मार्केटिंग लगाया होगा, ये सारा रैपिंग वगैरह ये सारा कुछ ही मैंने खुद से लगवाया, थोड़ा लुक अच्छा आ जाता है इससे, ब्लैक एंड व्हाइट का। गाड़ी काफी अच्छी लगती है देखने में भी, अलग से डिजायर है अच्छी, सेडान गाड़ियां अच्छी होती हैं, बस ये कि इनको मेंटेन रखना। लोग बाग ज्यादातर डिजायर ही प्रेफर करते हैं लेने में भी, क्यों मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत अच्छी होती है। और अपना तो ये है कि भैया अपनी गाड़ी से बहुत प्यार है, तो सभी को रहता है गाड़ियों से प्यार, तो अपनी से चलाते प्यार से। गाड़ी की कंडीशन बता रही है आपकी, इसमें ट्यूबलेस टायर है, ट्यूबलेस है 165 18 R 14 इंच का टायर है इसका, तो चारों टायर नए हैं, बैलेंस बना रहे। तो आपने इसमें एलॉय लगाने का नहीं सोचा? सोचा है, लगवाएंगे अभी, ये फेस्टिवल्स वगैरह चल रहे थे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला, और अभी पता करते हैं कोई अच्छा सा लुक में आते हैं अलॉय व्हील्स में, बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, कुछ काफी अच्छे अच्छे आते हैं, हाँ लगवाएंगे। तो आपका पहले से ही मन था एलॉय लगाने का कि अभी स्टार्टिंग से ही मन था। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय रे सब भाई।